नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और 9 बजे स्पेशल के साथ मैं हूं हिमांशु। 9 बजे स्पेशल में हमेशा हम बड़े खबरों पर बात करते हैं। आज बात करेंगे कुलभूषण जाधव की। कथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से उनकी मां और पत्नी ने कड़ी सुरक्षा के बीच आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में बातचीत की और मुलाकात की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और दोनों के बीच में शीशे की एक दीवार बनाई गई थी, जिससे लग रहा था कि मिलकर भी ना मिल सके। हम पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मां और पत्नी से हुई कुलभूषण की मुलाकात, शीशे के दीवार के बीच मुलाकात हुई मुकम्मल। परिवार से मिलकर भावुक हुए जाधव। 21 महीने बाद हुई परिवार से मुलाकात। पाकिस्तान ने कुलभूषण को सुनाई है मौत की सजा। भारत ने खटखटाया है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा। पाकिस्तान की जेल में बंद कथित जासूस कुलभूषण जाधव के लिए वो दिन आ ही गया जब 21 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज उनकी मां और पत्नी से उनकी मुलाकात हुई। शीशे की दीवार के बीच हुई इस मुलाकात को इतनी कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच मुकम्मल किया गया कि मानो उसे सच में जासूस करार दे दिया गया हो। हालांकि मामला अभी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लंबित है। परिवार के साथ जाधव की मुलाकात के वक्त पाकिस्तान में भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर जेपी सिंह भी मौजूद थे। इस मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जिसके बाद पाक सरकार ने इसे रिलीज कर दिया। महज 30 मिनट की इस मुलाकात को सुरक्षा के इतने तामझाम के बीच मुकम्मल करवाया गया कि मानो वो आतंकवादी हों। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लंबे वक्त के बाद जब उनकी मां से मुलाकात हुई तो वो उसे सीने से लगाने के लिए भी तरसते दिखाई दिए। मां को देखकर ऐसा लग रहा था कि मिलकर भी वो ना मिल सके हों। टीवी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों पर इस सीन को साफ बयान किया जा सकता है। दर्द दोनों ओर उठ रहा था और दिलों में अफसोस के सिवा कुछ नहीं था। यही जनरली है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है, इंसानी हमदर्दी में हमने ये काम किया है और मुलाकात करवा दी है। और जी, वो आज ही वापस चले जाएंगे। इसमें ये बात भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की गुडविल 24, 25, 26 तीन दिन का वीज़ा हमने को 5 दिन पहले उन्हें दे दिया। हमें डिटेल्स परसों आई, मगर ये 5 दिन पहले हमने उनको 3 दिन का वीज़ा दे दिया कि वो आएं और मुलाकात करें चले जाएं। अब मेरा आज शाम को किसी वक्त उनकी वापसी हो जाएगी। पाकिस्तान एक असभ्य देश है। वो चापलूसी करके या हिंसा करके अपनी अपनी चीज़ों के लिए, जब आपकी ताकत उनसे ज़्यादा है तो वो तुम्हारे सामने कुत्ता पूंछ हिलाते आती है। वैसे जब वो तुम्हारे से ज़्यादा समझते हैं कि उनकी शक्ति है तो फिर मारकाट करते हैं। ये इनकी इतिहास है। ऐसे इतिहास में हम लोग जब, अब तो बर्दाश्त के बाहर चले गया, एक सीमा के पार चले गया। एक ही रास्ता है पाकिस्तान को चार टुकड़ा करने के लिए, हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। बता दें कि मुंबई के रहने वाले पूर्व नौसेना अधिकारी और व्यापारी कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद भारत ने इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भारत के द्वारा लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार जाधव को उनके परिवार से मिलने की इजाजत दी है। कम से कम ये सांत्वना तो है परिवार को कि कमांडर जाधव जो है जिंदा है। और लेकिन इतना जो समय लगा वो यही दर्शाता है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर काफी यातनाएं की होंगी, जिसके कारण वो इतने लंबे समय से उनको दिखाने में इच्छुक नहीं थे। और ये जो समय जो लगा है, जिसके बाद उन्होंने उनकी पत्नी और माँ को इजाजत दी है, ये यही दर्शा रहा है कि काफी परेशानियों से और काफी यातनाओं से मेरे ख्याल से कमांडर जाधव गुजरे। लड़ाई को भारत सरकार लड़ रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एक बड़ी सफलता मिली थी। और अभी उनके परिवार के लोग उनसे मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि उनके मिलने के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी।
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जहां जाधव की फांसी पर आखिरी फैसले तक रोक लगा दी है, पर पाकिस्तान लगातार इस फैसले का विरोध कर रहा है। यही वजह है कि जाधव को राजनयिक मदद पहुंचाने की भारत की अर्जी को भी खारिज करता आया है पाकिस्तान। अब देखना लाजमी होगा कि आने वाले समय में इस मामले पर और क्या किया जा सकता है और भारत कुलभूषण को बचाने में सक्षम हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पेशल डेस्क। तो 21 महीने से पाकिस्तान की जेल में बंद है जो कि हमारे कुलभूषण जाधव हैं और उनको भारत लगातार बेगुनाह बताता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जनरल हून हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। कुलभूषण जाधव की जो आज मुलाकात करवाई गई है, काफी सुरक्षा के बीच करवाई गई और इतना भी मौका नहीं दिया कि एक बेटा अपनी माँ के गले भी मिल सकता, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के इस रवैये पर? मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है जी। जो अब है उधर, देखिए आप क्या कुछ है। एक तो है तलाक, 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 वो हो जाता है, मिलते ही नहीं, फिर उनको इजाजत ही नहीं। अब ये जो केस है ये वो उधर है, अब उधर से वो उन्होंने अगर बात करनी है तो कोई जुल्म तो नहीं ना हो गया? वो तो आके मैं कहता हूँ कि बॉर्डर पे मिल लिया करें, बजाय ये टीवी पे जाके और ऐसे बातें करते हैं कि ये है वो है। और ये इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि मुसलमान और हिंदू का डिफरेंट है जी। तलाक 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 एक है, वो मुस्लिम का है, हिंदू का तो नहीं है। तो ये जो है ये काफी दिनों से आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि अगर ये गलत करेंगे कुछ तो इनको सजा मिलेगी। तो ये बड़ा ये है कि ये जाधव को उसको पकड़ के रखा हुआ है उधर, क्या फायदा है किसके लिए? ये तो बस यही देख रहे हैं कि चलो हमारे पास एक है, अगर वो हमारा कोई पकड़ेंगे तो हम इसको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये स्टंट बना हुआ है जो ये है। हुन साहब, सवाल इस बात को की लेकर भी उठ रहा है कि आखिर इसी तरीके से मुलाकात करवानी थी तो फिर पाकिस्तान तक उनकी बूढ़ी माँ को क्यों बुलाया? यहीं से टेलीविजन पे या सोशल मीडिया से बात करवा देते। या हमने और देखो हम तो आपके दोस्त हैं, ये कोई दोस्त नहीं है। अब जो हो रहा है ये पूरे विश्व में ये बड़ी एक ऐसी चीज बन रही है कि हिंदुस्तान को, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान हमारा हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, नहीं रहते हैं, क्यों नहीं, वो है इधर। लेकिन देखिए आपके जब पार्टीशन हुआ है 47 में, मुझे याद है कि हमें सबको इन्होंने भगा दिया था उधर से, हिंदुओं को। मैं एबटाबाद से हूँ, वो नथिया गली, डूंगा गली, इन साइड दैट, बट उन्होंने हमें तो नहीं ना रखा, उन्होंने तो भेज दिया और हम ठीक हैं, या इधर आए हैं, उधर रह के क्या करेंगे। तो ये अच्छी बात है जो हो रहा है, ट्रिपल तलाक, ये मेरा ख्याल है कि एक क्रिमिनल अफेंस बनना चाहिए ये जो ट्रिपल तलाक का है। और जनरल साहब, जाधव को लेकर के जो मामला अब तक चला है और पाकिस्तान की तरफ से जो दलील दी गई और भारत की तरफ से जो ICJ में जो जीत मिली, भारत को एक पक्ष मजबूत भी हुआ, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या हम जाधव को भारत लाने में सक्षम हो पाएंगे और भारत का पक्ष कितना मजबूत है अभी तक? बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान चाहती है तो हमारे पास सब कुछ है, हम उसको उठा के भी ले आ सकते हैं, उनको पता ही नहीं लग गया कि हम ले गए हैं उसको जी। लेकिन ठीक है, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है, हम सोच रहे हैं, हमें पता है कि कैसे करना है, वो इस दोस्त तो नहीं करते कोई, लेकिन बहुत आसान है उनको उठा के इधर ले आए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसको ले आना चाहिए और उसको पूरा पता करना चाहिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं तो ये हर टाइम होता ही रहेगा, फिर ये तो बड़ी जुल्म की बात है ना। और हम हमेशा वही करते हैं, हम भी तो पाकिस्तान में था ना,
तो वहां से हमें इन्होंने धक्का दे के इधर भेज दिया। अब तो मैं क्या बोलू, मैं हुआ अगर उधर रहता तो फिर मैं भी पाकिस्तान में मुसलमान बना देते। तो ये जो चीज है ये बड़ी सोच की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर अपनी राय देने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल हून हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि भारत का पक्ष मजबूत है और आने वाले वक्त में देखना यह दिलचस्प होगा कि पक्ष मजबूत होने के साथ साथ भारत कैसे जाधव को भारत लाने में कामयाब हो पाता है। 21 महीने से पाक की जेल में बंद कुलभूषण को लेकर भारत और पाक सरकार आमने सामने हैं। भारत इस मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में पहुंचा, जबकि पाकिस्तान कुलभूषण को जासूस बताकर इसका लगातार विरोध कर रहा है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कब कब क्या कैसे हुआ। पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने जाधव को जासूसी का दोषी करार दिया है, जबकि भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले का विरोध किया। भारत ने जाधव को बेकसूर बताया है। पाकिस्तान के फैसले के विरोध में भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए मामले में दोनों देशों से अपना पक्ष रखने की बात कही थी। आज कोर्ट में इस केस की सुनवाई है। कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को पाक ने गिरफ्तार किया था। पिछले साल जाधव के कथित कबूलनामे का एक वीडियो भी पाकिस्तान ने जारी किया था। कथित वीडियो में जाधव कहते हैं वे दिसंबर 2001 तक इंडियन नेवी में रहे थे। वीडियो में जाधव ने यह भी बताया कि वो 2013 में रॉ में शामिल हुए थे। भारत ने पाकिस्तान से जाधव से मुलाकात करवाने की इजाजत मांगी थी। पाक ने साफ तौर पर मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया था। जासूसी का दोषी मानते हुए पाक ने 10 अप्रैल को जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। 11 अप्रैल को भारत के गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने संसद में कुलभूषण जाधव को वापस लाने का दावा किया था। कुलभूषण जाधव पाक में भारतीय जासूस हैं। वो आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हैं। ईरान से पाकिस्तान में कर रहे थे अवैध घुसपैठ, ऐसा आरोप है। पाक के सुरक्षा के लिए बताया गया है उनको खतरा। फांसी की सजा को बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से सही। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव हैं। रिटायरमेंट के बाद ईरान में रहकर व्यापार करते हैं। पाक ने जबरन हिरासत में उनको लिया है, ऐसा भारत का कहना है। वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से जासूसी नहीं कर रहे थे, ये भारत का कहना है। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट फैसला करे, ऐसा भारत का कहना है। पाक के पास नहीं है कोई पुख्ता सबूत, ये आरोप भारत का है। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक लगातार भारत उनकी बेगुनाही के सबूत पेश करता रहा है और पाकिस्तान को भी कई बार बेनकाब साबित कर चुका है भारत, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जाधव मामले में पाकिस्तान के साथ भारत का क्या रवैया रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पेशल डेस्क। और अब बात करेंगे बच्चों के प्यारे सेंटा क्लॉस की। सेंटा क्लॉस, इनके बिना क्रिसमस तो बिल्कुल अधूरी रहती है। हर क्रिसमस पर बच्चों को चॉकलेट्स गिफ्ट देकर इनकी मुस्कुराहट का कारण बनने वाले सेंटा को हर कोई याद करता है। असल जिंदगी में जीवंत करने वाले संत निकोलस हैं, जिन्होंने सेंटा को जीवित किया, जिन्होंने इस कैरेक्टर को रियल में जीवंत कर दिया और बच्चों के प्यारे हो गए। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 4वीं सदी में शुरू हुई सेंटा को मनाने की प्रथा, आधुनिक सांता के कैरेक्टर को संत निकोलस ने किया था जीवन। बच्चों को गिफ्ट देना संत निकोलस को था पसंद। बच्चों में बहुत लोकप्रिय है सांता।
खास कपड़ों के कारण अलग तरह की है पहचान। क्रिसमस बेल के लिए भी जाने जाते हैं सांता। हो कहते हुए लाल सफेद कपड़ों में बड़ी सी श्वेत दाढ़ी और बालों वाले कंधे पर गिफ्ट से भरा बड़ा सा बैग लटकाए हाथों में क्रिसमस बेल लिए सांता को आप जरूर जानते होंगे। क्रिसमस पर आप इनसे मिले भी होंगे या फिर टीवी अखबारों में इन्हें देखा होगा। बच्चों के प्यारे सांता जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, हर क्रिसमस पर बच्चों को चॉकलेट्स गिफ्ट्स देकर बच्चों की मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं। तभी तो हर क्रिसमस बच्चे अपने सांता अंकल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माना जाता है कि सांता क्लॉज को याद करने का चलन 4वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, लेकिन सांता का आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया। आज से 1500 साल पहले संत निकोलस का जन्म हुआ था, यानी असली सांता जनक जिन्हें माना जाता है, जिन्होंने सांता के कैरेक्टर को हकीकत में जीवंत किया था। आज के समय में सांता क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा है और उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। कहते हैं संत निकोलस बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुके थे। बड़े होकर वो ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत पसंद था। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे, इसी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता था। आज भी प्रचलन है कि कई जगहों पर ऐसा होता है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उनके सांता अंकल उन्हें उपहार देने नहीं आते हैं। हालांकि क्रिसमस उम्मीदों और खुशियों का त्योहार है। ईसा मसीह का जीवन और उनके उपदेश आज भी इसीलिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज भी अमीरी गरीबी, जातिवाद और सामाजिक विसंगतियां समाज में मौजूद हैं। जब हम अपने आसपास नजर डालेंगे और गरीब व लाचार लोगों के दुख दर्द को समझेंगे, ईसा मसीह की ही तरह अपनी कोशिशों से उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाएंगे, तभी कहीं क्रिसमस की वास्तविक खुशियां मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV100। और अब बात करेंगे दहेज नाम के दानों की। महोबा में एक बार फिर से महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां एक बेटी को दहेज के नाम पर जिंदा जला दिया गया। पर इस सबके बीच जो सवाल उठता है कि कब तक बेटियां यूं ही जलती रहेंगी। जब पैसों का लालच सिर चढ़कर बोलता है तो हैवानियत भी शर्मसार हो जाती है। ये तस्वीरें देखिए, एक बेटी जो लाखों और माल लेकर पति के घर गई थी, उसको अपना पूरा जीवन यहाँ बिताना था। वहां गई तो उसकी डोली, लेकिन वहां से उठी उसकी अर्थी। उसे कहां पता था कि उसके अरमानों का गला घोंट दिया जाएगा। जिसको अपना मानकर जिनकी वो सेवा कर रही है, उसका फल उसे जिंदा आग में जल कर मिलेगा। महोबा का एक गांव है रिछा, जहां पर एक बेटी सिर्फ इसलिए आग के हवाले कर दी गई क्योंकि वो अपने घर से ज्यादा पैसे दहेज के रूप में नहीं ले पाई। घर वालों का आरोप है कि ससुराल वाले आए दिन उसे परेशान करते रहते थे और आखिरकार उन्होंने उसे मार ही डाला। चाचा लगती है। तो आपको क्या प्रतीत होता है इस घटना से कि इनने सुसाइड की है कि इनने हत्या की है? निर्मम हत्या की है। तो आप क्या चाहते हैं शासन और प्रशासन से? शासन से चाहते हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आखिर क्या होगा? क्या उस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या माँ बाप अपनी बेटी को खोने के गम से कभी उबर पाएंगे? उस 2 साल की बच्ची का क्या होगा जिसके बाप ने ही उसकी माँ को उससे छीन लिया? आखिर कब तक दहेज के दानव बेटियों को लीलते रहेंगे और बेटियां यूं ही बलि चढ़ती रहेंगी? और अब बात करेंगे उन लुटेरों की जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक लूट का खुलासा करते हुए कई लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। जानिए इस रिपोर्ट के जरिए पुलिस की इस कामयाबी की पूरी कहानी। लूट कांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस की गिरफ्त में कई शातिर लुटेरे, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। पूछताछ में लुटेरों ने किए कई खुलासे।
तस्वीरों में चेहरे को नकाब से छुपाए खड़े ये वही शातिर लुटेरे हैं जिन्हें गाजियाबाद की पुलिस ने कड़ी मशक्कत और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया है, साथ ही पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। लूट कांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश, पुलिस की गिरफ्त में कई शातिर लुटेरे। पुलिस की माने तो आरोपी लगातार शातिर तरीके से पुलिस को चकमा दे रहे थे, जिससे पुलिस के ऊपर भी लगातार दबाव बढ़ रहा था। आरोपियों ने गाजियाबाद के एक व्यापारी के घर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस और पीड़ित दोनों चैन की सांस ले रहे हैं। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद, पूछताछ में लुटेरों ने किए कई खुलासे। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इनके साथियों के नाम जानने की कोशिश कर रही है ताकि अन्य लुटेरों पर भी लगाम कसी जा सके। पुलिस को पूछताछ में कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस राहत महसूस कर रही है। टीवी 100 के लिए गाजियाबाद से वैभव की रिपोर्ट।